स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के इस नए वीडियो में। इनफैक्ट इस हफ्ते मैं एक वीडियो आपके लिए करने वाली थी जिसमें जो लोग शेयर में डील करना चाहते हैं, खरीदना बेचना चाहते हैं, शेयर बाज़ार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोले, किसके साथ खोले, क्या बेहतर होगा आपके लिए, उसके ऊपर एक वीडियो करना था। लेकिन इसी बीच खबर आ गई, सेबी जो रेगुलेटर है शेयर बाज़ार का, उसने एक बहुत बड़े बहुत पुराने ब्रोकिंग हाउस जो है कार्वी, उसके उसके ऊपर रोक लगा दी है। जो दर्शक देख रहे होंगे उसमें कुछ लोग शायद कार्वी के क्लाइंट होंगे जो अटक गए हैं, फंस गए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, और इसके अलावा जो लोग भी शेयर बाज़ार में डील करते हैं, निवेश करते हैं, वो ऐसी स्थिति में कभी ना फंसे, उसके लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो इसके ऊपर। अब देखिए, आपके पैसे या आपके निवेश से जुड़ा हुआ ये जुड़ी खबर है, ये वीडियो भी उसी के आसपास है, उसी पर बना हुआ है, तो अंत तक देखना ज़रूरी है, नहीं तो आप इम्पॉर्टेंट बात शायद मिस कर जाएंगे। तो इसको दो हिस्सों में बांट के समझते हैं इस पूरे मसले को। पहली चीज़ तो ये कि जो कार्वी के क्लाइंट हैं, जो कार्वी के कस्टमर हैं, जिन्होंने कार्वी के साथ अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोला हुआ था, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, जब भी ऐसी कोई चीज़ खबर आती है तो जो क्लाइंट होता है या कस्टमर होता है उसका भरोसा थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, डिफॉल्ट के चांसेस वहाँ पे दिख रहे हैं, तो आपका भरोसा हिल जाता है। अगर आपका भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो पुराना क्लाइंट है, आज तक कुछ पुरानी कंपनी है, इस मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ नहीं है, तो आप अपना कंटिन्यू करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका भरोसा हिल गया है तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में से पैसे जो है वो निकालिए, उसको सीधे ट्रांसफ़र कीजिए अपने बैंक अकाउंट में। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास दूसरा है तो आप अपना जो शेयर है जो आपके कार्वी वाले डीमैट अकाउंट में है, आप वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे डीमैट अकाउंट में। ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपका दूसरा डीमैट अकाउंट है तो आप अपने पहले वाले ब्रोकर के पास एक डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, DIS कहते हैं, इसको भरना होता है, इसको जमा कीजिए, और 2 से 4 दिनों के अंदर आपका जो भी शेयर है पहले वाले ब्रोकर के पास, वो पहले वाले ब्रोकर के डीमैट अकाउंट के पास, वो दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये दो काम आपको करना है अगर आप कार्वी के क्लाइंट है और आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे हैं और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर हैं। तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने कार्वी के ही प्लेटफॉर्म पे कुछ खरीदा या बेचा है शेयर, और आपको ना पैसा दिख रहा है आपके अकाउंट में, अगर आपने शेयर खरीदा तो शेयर भी नहीं दिख रहे हैं आपके डीमैट अकाउंट में, तो ये ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं बेसिकली आपके अकाउंट में। अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस वक्त, तो देखिए कि ये दोनों चीज़ें ना ये कार्वी के पूल अकाउंट में हैं, और अगर ये पूल अकाउंट में है अभी तक, तो भाई इसको आप तक पहुंचने में ना अब वक्त लगेगा, क्योंकि अब जांच शुरू हो गई है, सेबी इन्वॉल्व हो गया है, जांच चल रही है, तो 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का वक्त लग सकता है आपको अपना पैसा या अपना शेयर वापस मिलने में। अब तीसरे तरह के क्लाइंट जो हैं कार्वी के, जिन्होंने अपने शेयर प्लेज किए हुए थे। प्लेजिंग क्या होती है? बेसिकली आपने अपने शेयर गिरवी रखे थे, उसके बदले कुछ पैसे लिए थे। क्यों लिए थे? कुछ और आपको कोई मौका दिख रहा होगा स्टॉक में कहीं पैसे बनाने का, तो आपके पास तो कैश नहीं है, तो मैंने अपने शेयर गिरवी रख दिए, उनसे पैसे लिए, और उससे भी मैंने नया कुछ खरीदा या बेचा, जैसा भी। अब ये तो लालच वाली बात हो गई भाई, कंपनी तो अभी अब सब कुछ बाहर आ गया है, कांड सबको समझ में आ रहा है, तो आपका जो वो प्लेज किया हुआ शेयर था वो तो गया, ऊपर से आप फंस रहे लोन के जाल में। अब क्यों फंस रहे हैं आप लोन के जाल में? क्योंकि आप लालच कर रहे हैं ना, तो ये जिन्होंने काम किया है वो फंस गए। अब ये जब मसला सुलझेगा, सब कुछ क्लैरिटी आएगी, तभी समझ में आएगा कि अब आगे क्या रास्ता निकल सकता है। अभी के लिए वो मान के चले कि उनका जो प्लेज किया हुआ शेयर था वो गया। तो ये हो गया कार्वी के क्लाइंट क्या करे अब जब सब कुछ सामने आ गया है। तब दूसरा हिस्सा इस वीडियो का कि भाई ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये सिर्फ कार्वी के क्लाइंट के साथ नहीं, ये कल को आपके साथ भी हो सकता है, भले ही मेरे साथ भी हो सकता है। तो भाई ये क्या करे ताकि हम इस सिचुएशन में कभी आए ही ना, आपको क्या करने की, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, गौर से सुनिएगा।
तो देखिए, अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं और आपका अकाउंट है किसी भी ब्रोकर के पास, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्या करें आप कि आप कभी भी ना फंसे इस सिचुएशन में? देखिए, आपके पास ना दो तीन तरह के मैसेज या मेल कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, वे होता रहता है, कभी आपके ब्रोकर की तरफ से या फिर एक्सचेंज NSE या BSE की तरफ से। जब भी आप शेयर खरीदते या बेचते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए, तो आपके पास, आपका ब्रोकर के पास से एक मैसेज आएगा आपके फ़ोन पे, ठीक है, आपको वो चेक करते रहना है। इसके अलावा हर महीने आपका ब्रोकर आपको अकाउंट स्टेटमेंट भेजता है कि इस महीने आपने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, कितना खरीदा है, कितना बेचा है, तो उसको भी आपको ज़रा चेक करना है, मिलाते रहना है कि आपने जो किया है वही दिखा रहा है या कुछ और यहाँ पर कुछ उल्टी पुल्टी एक्टिविटीज़ दिख रही हैं। इसके अलावा आपके पास NSE BSE जिनको हम एक्सचेंज कहते हैं, इनके पास से भी मेल आता रहता है, आप वो चेक करते रहिए कि उसमें सब कुछ सही सही है कि नहीं है। ये तीन चीज़ आपको रेगुलरली चेक करनी है। एक चीज़ जो बहुत ही ध्यान रखने वाली है वो है कि भाई, आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट या फिर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो आप POA देते हैं अपने ब्रोकर को, पावर ऑफ अटॉर्नी। आप उनको अधिकार देते हैं कि भाई आप मेरे बिहाफ पे खरीद बिक्री कर सकते हो। ये क्यों देते हैं इस पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन आप ये देते हैं। तो भाई अगर आपने दिया हुआ है ये, तो तब तो आपको और भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जब भी मैसेज आए तो चेक करते रहिए, खुद ही अपने अकाउंट में लॉग इन करके देखिए, कोई ऐसे कोई हरकत या एक्टिविटी तो आपको नहीं दिख रही है जो आपने नहीं की है, और ऐसा कुछ हुआ है तो तुरंत इसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए, अपने ब्रोकर से पूछिए कि क्या हो रहा है। तो ये आप अगर करेंगे, इतना अलर्ट रहेंगे, तो आई एम श्योर कि आगे चल के आपके फंसने के चांसेस जो है आप काफ़ी कम कर लेंगे। अब ये हो गया उनके लिए जो ऑलरेडी जिनके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है। अब आती है उनकी बारी जो सोच रहे हैं कि अब मुझे शेयर में निवेश करना है, मैं तैयार हूँ और मुझे अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाना है। आज के टाइम पे आपके सामने हज़ारों ब्रोकर के ऑप्शन हैं। आप बैंक में भी जाते तो बैंक में भी आपको ये सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स जिसको कहते हैं ब्रोकरेज, वो जैसे जो सारे ऑनलाइन काम होते हैं उनके ऑफिसेज नहीं होते, ज़ेरोधा हो गया, इसके अलावा 5paisa.com ऐसा कुछ करके भी है, तो इस तरह की चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जो आपको बहुत सस्ते में शेयर बाजार में निवेश करने का मौका दे रहे हैं। तो देखिए, कोई नहीं जानता है कि 5 साल के बाद कंपनी का क्या, आपके ये कंपनी डिफॉल्ट करेगी कि नहीं करेगी, कोई लिख के दे नहीं सकता। आप अपनी तरफ से और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि हम वो एक ब्रोकर चुनने के पहले अपना रिसर्च कर ले ढंग से, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, सेबी की वेबसाइट पे और एक्सचेंज की वेबसाइट पे, NSE और BSE की जो वेबसाइट है उस पे आप जाएंगे तो हर ब्रोकर की डिटेल वहाँ आपको मिल जाएगी। तो आपको डिटेल क्या देखना है, आपको देखना है कि उसकी हिस्ट्री कैसी है, बेसिकली उसके अगेंस्ट कितने कंप्लेंट्स हैं, किस तरह के कंप्लेंट्स हैं, कितने कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुए हैं, आप वो ज़रा चेक करें। तो जाहिर सी बात है, जितने कम कंप्लेंट्स उतना बढ़िया। साथ ही आपको ये भी देखना है कि उनका फिनेंशियल हालत कैसा है, उसके बारे में भी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। तो ये देखने के बाद ही आप तय करें कि आप कौन से ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। अब इस आता है वीडियो का तीसरा हिस्सा जो थोड़ा ज़रूरी है, अगेन गौर से सुनिएगा। देखिए, कहाँ कहाँ आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, आपको ये दिमाग में लाना बहुत ज़रूरी है कि किस किस सिचुएशन में आपका जो है ना, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। देखिए, 4 तरह की सिचुएशन है जिसको अगर आपके साथ होती है तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए फटाक से। नोट बना के कहीं लिख लीजिए इस चीज़ को। पहला, आपने शेयर बेचे हैं और आपके पैसे आपके पास नहीं आए हैं। शेयर खरीदे हैं लेकिन ब्रोकर ने आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र नहीं किया। आपने मार्जिन के पैसे अपने ब्रोकर को दिए, आप वापस चाहते हैं और आपको नहीं दे रहा है आपका ब्रोकर। और चौथा ये कि ब्रोकर ने आपके परमिशन, आपकी इजाज़त के बगैर आपके अकाउंट में कुछ ट्रेडिंग की है, कुछ एक्टिविटीज़ की है। अगर ये चारों चीज़ें कुछ भी होती हैं, आप अलर्ट रहते हैं, तो आपको तुरंत ब्रोकर को लिखना होगा, तुरंत के तुरंत। ब्रोकर अगर रिजॉल्व नहीं करता है 30 दिन के अंदर अंदर, तो आपको तुरंत उसके बाद NSE BSE मतलब एक्सचेंज को लिखेंगे, और साथ ही आप सेबी जो रेगुलेटर है शेयर बाजार का, वहां पर भी लिखेंगे।
लेकिन एक सिचुएशन ये भी हो सकती है ना कि भाई मैंने फला ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोला और अब तो उसकी दुकान ही बंद हो गई, वो फोन ही नहीं उठा रहा, कोई है ही नहीं, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, तब आप क्या करेंगे भैया? तुरंत जैसे ही आपको ये रियलाइज हो कि ऐसा कुछ हुआ है, तुरंत आप दोनों एक्सचेंज और सेबी को लिखिए। देखिए एक चीज होती है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF, तो उसके तहत ना आपके जो पैसे हैं जो वो कुछ हद तक उसका इंश्योरेंस रहता है। 15 लाख है आई थिंक NSE पर, जहां तक मुझे याद है, नहीं BSE पे 15 लाख का इंश्योरेंस होता है, NSE पर 25 लाख का। तो केस टू केस बेसिस पे जब आप कंप्लेन करते हैं और उसके बाद जांच पड़ताल होती है और उसके हिसाब से इतने पैसे तक अगर आपका निवेश है तो वो आपको मिल जाता है। उसके ऊपर के लिए फिर आपको कोर्ट जाना पड़ता है, वो लंबा प्रोसेस है। लेकिन यहां मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको पता है कि आपको कहां पर किस सिचुएशन में किसको लिखना है। लेट मत कीजिए। अगर लग रहा है कि कुछ चीज लगातार हो रही है आपके अकाउंट में, आपका ब्रोकर आपको उसके लिए ढंग से जवाब नहीं दे रहा है, आपको गोल गोल घुमा रहा है, तो आप ब्रोकर को लिखेंगे, साथ ही 30 दिन का इंतजार करना होता है, वो जवाब देगा, सही देगा नहीं देगा देख लीजिए, फॉलो अप कीजिए। उसके बाद आपको NSE BSE दोनों एक्सचेंज और सेबी इनको लिखना है, और अगर ब्रोकर भाग गया है तो भी आपको NSE BSE और सेबी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, कंप्लेन वहां दर्ज करवानी है। तो ये अगर आप करेंगे, कितना प्रोसेस लगेगा पूरा पैसा वापस मिलने में इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, महीनों लग सकते हैं, लेकिन अगर ये करेंगे तो पैसे मिलने के चांसेस बने रहेंगे। तो आज के वीडियो में हमने कार्वी वाला जो पूरा मसला है उसको ध्यान में रखते हुए बताया कि कैसे, अगर आप कार्वी के क्लाइंट हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। अगर आप जनरली एक निवेशक हैं शेयर बाजार के, तो आप कभी कार्वी वाले सिचुएशन में ना फंसे उसके लिए क्या करने की जरूरत है, कितना कैसे अलर्ट रहने की जरूरत है, किन किन सिचुएशन पे आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, इस बातों को हमने आपको डिटेल में बताया। अगला जो वीडियो होगा वो बेसिकली हम करेंगे कि भाई जब अगर आपको पहले नए नए निवेशक हैं, सोच रहे हैं शुरू करना शेयर बाजार में निवेश, और ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, इतने ऑप्शन में कैसे चुने एक ढंग का ब्रोकर अपने लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आपको जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप कभी सिचुएशन में फंसे हैं, कभी आपके ब्रोकर ने आपको परेशान किया है, या फिर वो भाग गया, या फिर आपको लगा कि आपके साथ कुछ घपला हो रहा है, तो आपने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर कीजिए। खजाना बढ़ाओ @gmail.com पे जो नाम बोला मैंने अपने ईमेल आईडी का, वो नीचे लिखा दिख रहा होगा आपको। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल की होगी, वो दूसरे लोगों को भी एक इंस्पायर करेगा या उनके लिए भी सीखने का मौका होगा, तो ज़रूर हमें लिखिए। इसके अलावा हम NSE BSE सेवी की जो ज़रूरी लिंक है, जहाँ पर आपको जब भी भगवान ना करे अगर आप इस नौबत इस तरह के सिचुएशन में कभी फंसे, तो उस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे कहाँ पे कंप्लेन करनी है, प्रोसेस क्या है, वो सब हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अपनी आपके लिए बेहतर होगा। और यप, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके काम की बातें, आपके निवेश से जुड़ी काम की बातें यहाँ पर आपको मिलती हैं। या फिलहाल के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं आज के वीडियो को सुनने के बाद ये कहना तो और ज्यादा बनता है कि हम सब हैं सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, बी वेल्दी।